हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन इन IPv4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू IPv4 हेडर। उसमें मैंने सारे फील्ड्स के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, कौन सी फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है, क्या काम करती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आप एक बार जरूर उस वीडियो को चेक कर लें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि IPv4 है क्या, IPv4 में कौन कौन से फील्ड होते हैं और वो कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो IPv4 की जो सेकंड रो है उसमें ये तीन फील्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट। और ये तीनों फील्ड ही है किसके लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए। और फ्रेगमेंटेशन IPv4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही न्यूमेरिकल्स जो है इसके ऊपर आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ही डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये फील्ड कैसे काम करती है। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं पहले। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, या कहां पे हम यूज करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पैकेट को हम डेटाग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको अलग अलग रूट से हम भेजते हैं। IPv4 की ये प्रॉपर्टी है। अब जब ये सारे पैकेट अलग अलग रूट से जब पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे, पता कैसे लगेगा कि ये एक पैकेट से ही बिलोंग करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन बिट, और ये 16 बिट की जो है ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो टोटल यानी 2^16 वैल्यूज पॉसिबल है। देन फ्लैग जो है 3 बिट का है यहां पे, इस तरीके से इसको आप ले सकते हो। जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो रिजर्वड है, उसकी वैल्यू जो है वो 0 फिक्स्ड है, उसको आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाद की वैल्यूज है, दैट इज डू नॉट फ्रेगमेंट एंड मोर फ्रेगमेंट। ये जो डू नॉट फ्रेगमेंट है, इसको या तो आप क्या कर सकते हो, सेट मतलब 1 कर सकते हो या 0 कर सकते हो। अगर आप डू नॉट फ्रेगमेंट को 0 करते हो, मतलब आपने डू नॉट फ्रेगमेंट को 0 किया हुआ है, मतलब फ्रेगमेंटेशन की हुई है, यानी फ्रेगमेंटेशन इज देयर। लेकिन अगर आपने डू नॉट फ्रेगमेंट को 1 किया हुआ है, मतलब देयर इज नो फ्रेगमेंट। और ये जनरली हम करते हैं कि अगर मुझे पता करना है कि कितने मैक्सिमम साइज का पैकेट मैं भेज सकता हूं, या मेरे को चाहता हूं कि मैं कोई भी बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नोड या रास्ते में अगर कोई नोड है वो कहती है कि मुझे फ्रेगमेंटेशन करनी है, हम इसको अलाउ नहीं करते, तो ऑब्वियसली पैकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उस फील्ड में क्या होगा, डू नॉट फ्रेगमेंट की जो वैल्यू क्या होगी, 1। लेकिन अगर आप फ्रेगमेंटेशन को अलाउ करते हो कि रास्ते में कोई भी पैकेट को डिवाइड कर सकता है, तो वैल्यू इसकी क्या रखो, 0। देन मोर फ्रेगमेंट, दैट इज MF। मोर फ्रेगमेंट का मतलब है ये एक्चुअली में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0 या 1। और ये एक्चुअल में क्या बताती है, क्या ये पहला पैकेट है, मिडल है या फिर लास्ट पैकेट है। मतलब जो आप पैकेट में डिवाइड करो, पैकेट को सब पैकेट में डिवाइड कर रहे हो, तो उसको बताती है कि ये पहला पैकेट हो सकता है या ये लास्ट पैकेट हो सकता है, कौन सा नंबर का पैकेट है। ये एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। इसमें सिर्फ मैं आपको एक बेसिक सा पॉइंट बता रहा हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन बिट की वैल्यू देते हैं, कैसे हम फ्लैग को सेट करते हैं और फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ बाइट्स अहेड ऑफ यू, मतलब आपसे आगे कितने बाइट जो है ऑलरेडी चल रहे हैं, कितने पैकेट के बाइट ऑलरेडी चल रहे हैं। और ये 13 बिट की फील्ड है, इसको भी कैसे यूज करते हैं। ये तीनों चीजें आपको न्यूमेरिकल से अभी समझ आ जाएगी कि कैसे इनको यूज करना है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप और भी करें, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। अ डेटाग्राम ऑफ 3000 बाइट विच कंटेन्स 20 बाइट ऑफ IP हेडर, 2980 byte of IP payload reached at router and must be forwarded to a link with MTU of 500 byte. How many fragments will be there? How many fragments will be generated? Also write the MF offset total net total length value for all. तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइस फ्रेगमेंटेशन में से जो आपकी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। मेनली नेटवर्क लेयर में क्वेश्चन आते हैं या तो क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग में से। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द फ्रेगमेंटेशन, और ये टॉपिक कहां से है, IPv4 हेडर फॉर्मेट में से। तो IPv4 में हम क्या करते हैं कि 20 बाइट का हमारे पास क्या है, मिनिमम हेडर है, और बाकी का बचा हुआ क्या है, IP पेलोड। पेलोड मतलब प्योर डेटा जो अपर लेयर से हमारे पास आता है। तो सिनेरियो क्या है हमारे पास कि देयर इज अ राउटर, और राउटर के पास कहीं से डेटा आया है, डेटाग्राम आया है, और वो डेटाग्राम 3000 बाइट का है, जिसमें से 20 बाइट हेडर है
और 2980 बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, उतने बाइट क्या है यहाँ पे, पेलोड मतलब डेटा। अब इस राउटर ने इस डेटा को किसी लिंक पे सेंड करना है और जो लिंक आगे किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो लिंक है उस लिंक पे आप 500 बाइट से ज्यादा का डेटा सेंड नहीं कर सकते, मतलब 500 बाइट से ज्यादा का डेटा वो लिंक हैंडल नहीं कर सकती। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जब इस लिंक से आप 500 बाइट से ज्यादा का डेटा भेजोगे तो जो नेटवर्क है आगे उस नेटवर्क की जो डेटा लिंक लेयर है, MTO हम कहां पे बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर जो है वो 500 बाइट से ज्यादा का डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हमें करना क्या पड़ेगा, राउटर 3000 बाइट का डेटा डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, तो राउटर अपने एंड पे क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है कि कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे और उनकी क्या वैल्यूज होंगी। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है। जैसा कि ये 500 बाइट इस लिंक पे 500 बाइट सेंड करेंगे, तो वो 500 बाइट में होगा क्या, 20 बाइट हेडर होगा और 480 बाइट क्या होगा, डेटा होगा। ऑब्वियसली क्योंकि 500 बाइट से 501 नहीं कर सकते, 502 नहीं कर सकते, क्योंकि 500 से ज्यादा वो लिंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ना 500 से कम भेजो, 500 से कम हम क्यों भेजें, जब हमारे पास 500 सेंड करने की कैपेसिटी है तो मैं 400 क्यों भेजूं, अननेसेसरी मैं वेस्टेज यहां पे नहीं करना चाहता। तो 20 बाइट का हेडर 480 बाइट का क्या होगा, डेटा। तो हमें पता है कि हमारा डेटा कितना है, 2980 बाइट, क्योंकि पूरा तो पूरा डेटाग्राम है ना, उसमें से 20 बाइट का हेडर हमने अलग कर दिया, बाकी का जो डेटा है 2980 वो निकाल लिया। और जो हमारे पास सेंड करना है वो कैपेसिटी है हमारे पास 480 बाइट। तो अगर हम इसको डिवाइड करें और इसकी सीलिंग वैल्यू ले, मतलब अपर वैल्यू ले, तो ये क्या आएगी, 6 point something आएगी, विच कम्स आउट टू बी 7, मतलब 7 फ्रेगमेंट बनाने पड़ेंगे राउटर को और फिर इस डेटा को यहां पे सेंड करना पड़ेगा। तो हम उन फ्रेगमेंट्स का अगर नेम दें या उन पैकेट्स को अगर हम नेम दें, लेट से पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, पैकेट 6, पैकेट 7, लेट से ये 7 पैकेट जो है वो राउटर को सेंड करने पड़ेंगे। तो राउटर करेगा क्या, सबसे पहले पैकेट में 480 बाइट का डेटा प्लस 20 बाइट का हेडर उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरे पैकेट में भी क्या होगा, 480 बाइट का डेटा प्लस 20 बाइट का हेडर। तीसरे में भी क्या होगा, 480 बाइट प्लस 20 बाइट, 480 बाइट प्लस 20 बाइट, 480 बाइट प्लस 20 बाइट, 480 बाइट प्लस 20 बाइट। तो टोटल 500 के इसने फ्रेगमेंट बना देने हैं। लेकिन लास्ट फ्रेगमेंट में देखो कितना डेटा आया, अगर हम यहां पे 480 6 बार यूज करते हैं तो ये बन जाएगा 2, 480 × 6 ये बन जाएगा 2880, मतलब इतना डेटा हमने ऑलरेडी सेंड कर दिया पूरे पेलोड में से, और बाकी का बचा हुआ कितना है, 100 बाइट जो है वो बाकी का बचा हुआ है। तो आपको पूरे डेटा को जब आप सेंड करोगे तो यहां पे पूरा 500 बाइट यहां पे चला जाएगा, 500 बाइट यहां चला जाएगा, इसमें जब आप 20 बाइट का हेडर ऐड करोगे तो 500 को ये सारे बन जाएंगे। लेकिन लास्ट वाला कितने का बनेगा, 100 में जब आप 20 ऐड करोगे हेडर को तो ये 120 बाइट का लास्ट वाला फ्रेगमेंट। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमने ये पता करना है कि कितने फ्रेगमेंट है, 7 फ्रेगमेंट बनेंगे, और 7 फ्रेगमेंट की अगर आपको टोटल लेंथ फील्ड निकालनी हो, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है टोटल लेंथ, तो पहले फ्रेगमेंट की 500 जो है टोटल लेंथ रहेगी, लेकिन लास्ट की टोटल लेंथ कितनी होगी, 120, जिसमें 100 पेलोड जो बाकी का बचा हुआ था और 20 क्या है यहां पे, हेडर। हमने सारे जो पैकेट्स के साथ हेडर क्यों ऐड किया, क्योंकि IPv4 जो है वो डेटाग्राम सर्विस है। डेटाग्राम सर्विस का मतलब है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स एक ही एरिया में या एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, वो अलग अलग जगह से भी पहुंच सकते हैं, अलग अलग जगह से भी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें हर एक बंदे को बताना पड़ेगा, हर एक पैकेट को बताना पड़ेगा कि ये तेरा हेडर है, इस हेडर को लेके डेस्टिनेशन पे पहुंचो। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल लेंथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें MF फील्ड की, टोटल लेंथ इज डन, MF फील्ड का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट मतलब अगर ये पैकेट नंबर 1 है तो पैकेट नंबर 1 के बाद कोई और पैकेट आ रहा है, यस, तो MF फील्ड की वैल्यू क्या है,
वन. पैकेट टू के बाद कोई और पैकेट है? यस. एम में फील्ड की वैल्यू या तो जीरो होती है या वन. तो लास्ट वाले की क्या होगी यहां पे? जीरो. लास्ट वाले की क्या होगी? जीरो. रीजन, क्या पी सेवन के बाद कोई और पैकेट है? नहीं, पी सेवन के बाद कोई और पैकेट नहीं है. तो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? जीरो. ये हमेशा आप पॉइंट याद रखें कि लास्ट वाले की हम हमेशा क्या रखते हैं? जीरो. लेकिन आगे वालों की एम एफ वैल्यू हमेशा क्या होती है? वन. बिकॉज इसके बाद फॉलोड बाय दिस पैकेट इज फॉलोड बाय सम अदर पैकेट. यस. लेकिन लास्ट पैकेट इज फॉलोड बाय सम अदर पैकेट? नो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफसेट. ऑफसेट में हमें क्या फाइंड आउट करना हो? ऑफसेट एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स, डेटा बाइट्स अहेड ऑफ दिस. मतलब इस फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें या इस पैकेट की बात करें P1 की, तो P1 से आगे कितने बाइट ऑफ डेटा चल रहा है? P1 से आगे तो कोई बाइट नहीं चल रहा. P1 से आगे कोई बाइट नहीं चल रहा, तो हम इसको क्या लिखते हैं? जीरो. लेट्स से P2 की अगर हम बात करें, तो देखो P2 से आगे कितना डेटा है? आपको लगेगा P2 से आगे 500 बाइट का डेटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं, टोटल लेंथ नहीं. तो P2 से आगे कितना डेटा है? 480 बाइट का डेटा है. लेकिन आपको 480 रिप्रेजेंट नहीं करना, हम हमेशा फ्रेगमेंट की वैल्यू को है 8 से डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर जो है स्केल ऑफ 8 यूज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 60. जैसे ही ये 60 वाला पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो वहां पे जब हम 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 480. तो इससे डेस्टिनेशन को पता लग जाएगा इससे आगे वाले पैकेट में कितना डेटा है? 480 बाइट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ऑफसेट. अगर हम नेक्स्ट P3 की बात करें, तो देखो P3 से आगे कितना डेटा है? सिर्फ डेटा फाइंड आउट करना है, पेलोड पूरा नहीं. तो P3 से आगे देखो 480 बाइट ये रहा, 480 बाइट ये रहा. तो 480 प्लस 480 डिवाइड बाय 8 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 120. नेक्स्ट अगर हम बात करें P4, तो P4 से आगे कितना डेटा है? 480 प्लस 480 प्लस 480, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 180. सिंपल, बस आपको डिवाइड बाय 8 करके 8 के स्केल में यहां पे रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 240. उससे नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 300. और इससे नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा यहां पे? 360. अगर आपको पता लगाना है कि क्या इससे आगे कितना डेटा है, इस पैकेट से आगे कितना डेटा निकल चुका है, तो आप ऑफसेट उठाओ 360, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 48 2880. तो 2880 इससे आगे निकल गया, 100 बाइट इसमें है, तो कितना हो गया? 2980.